नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही लॉकडाउन में बेपटरी हुई जिंदगी अब वापस धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और इसी के साथ कई देशों में कारोबार अब चल रहा है। आधे से ज्यादा चीजें पहले जैसे शुरू हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज अब तक बंद थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेज को खोलने पर अभी विचार नहीं किया गया। लेकिन अब स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। इस बीच पाकिस्तान में आज से स्कूल खुल गए, इसको लेकर पाकिस्तान की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि भारत में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारत से एक हफ्ते पहले यानी कि 15 सितंबर से ही स्कूल खुल गए। इसके अलावा कोरोना पर नियंत्रण को लेकर भी पाकिस्तान की खूब तारीफ हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस तैयारी के साथ वहां के स्कूल खुले हैं और स्कूल खोलने को लेकर पाकिस्तान की सरकार क्या कह रही है। पाकिस्तान के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के स्कूलों में आज यानी कि 15 सितंबर से कक्षाएं फिर से शुरू हो गई। इसके लिए स्कूलों और कॉलेज में पूरी तैयारी की गई। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि कल हम लाखों बच्चों के स्कूल में वापस लौटने का स्वागत करेंगे। ये सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता और सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ाई के लिए सुरक्षित स्कूल जा सके। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए स्कूल संचालन पूरी तरह से कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों के साथ हो। बता दें कि कोरोना से जंग में भी अंतरराष्ट्रीय मंच में पाकिस्तान की खूब तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनम ने खुद भारत के पड़ोसी मुल्क की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। WHO प्रमुख ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। WHO प्रमुख ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की रणनीति का समर्थन किया। यहां कोविड-19 से निपटने के लिए वर्षों पहले बनाए गए पोलियो उन्मूलन के बुनियादी ढांचे का भी सहारा लिया है। बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पार हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अनुसार यहां बीते 24 घंटे में 526 कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज होने से संक्रमितों की संख्या 301,481 तक पहुंच गई है। इसके अलावा यहां एक दिन में 6 मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 6,379 हो गया। वहीं यहां पर कुल मामलों में करीब 534 मरीज गंभीर हालत में हैं। वहीं एक दिन में 893 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे कम आंकड़ा है इस वक्त, जो कोरोना से सबसे प्रभावित देश हैं। इसलिए WHO पाकिस्तान का उदाहरण देकर पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की नसीहत दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।